बहुत दिक्कत है, लेने के बाद बहुत दिक्कत आई इसमें यार। पहले जब लाया तो एक हफ्ते चली बहुत बड़ी, एक हफ्ते बाद ही हो गया स्टार्ट की मोटर खराब, इसकी बटन की मोटर खराब। दिक्कत और बता देता हूँ इसमें, क्या बोलते हैं इसके मीटर में पता नहीं कैसे लाइट आ जाती थी अपने आप, एक साथ जितनी भी लाइट आती है इसके स्टेयरिंग के बटन नहीं चलते। लेनी वरना थी, लेनी डीजल में थी, लेनी ऑटोमेटिक थी। खरीदी कितने में थी ये पूछ रहे हो? खरीदी भाई मैंने इसको करीबन, भाई मैं नहीं लूँ सेकेंड हैंड गाड़ी आज के बाद। स्वागत है आप लोगों का नई वीडियो में। तो आज अपने पास है वरना 1.5 लीटर वाली ऑटोमेटिक वेरिएंट रहने वाला है, डीजल वेरिएंट है अपना, टॉप एंड वेरिएंट है भाई का। और भाई ने लेके अपनी टनाटन करवा रखी है गाड़ी। बता दूं भाई ने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी थी भाई, सेकंड हैंड के बाद वरना में क्या कुछ खर्चा करवाया भाई ने, केसी का पड़ी है सेकंड हैंड लेने के बाद, सारी चीज़ें भाई की कवर करेंगे और कितनी डिफिकल्टी हुई है भाई को गाड़ी चूज करने में, आज भाई ने सारी चीज़ें बता देंगे इसमें। वरना जिन जिन भाइयों को भाई इस शेप वाली चाहिए, मार्केट में कितनी अवेलेबल है कितनी नहीं है, सारी चीज़ भाई सब कुछ कवर कर देंगे आज। तो एंड तक बने रहना वीडियो। हमारे साथ आ चुके दीक्षित भाई, क्या हाल है भाई? भाई बहुत बढ़िया, बताओ। बढ़िया भाई, भाई पहले बताओ अपना कौन सा वेरिएंट रहने वाला है? भाई ये 2021 एंड की है, SX मॉडल है, 1.5 SX। ऑप्शनल नहीं है भाई ये? ऑप्शनल नहीं है, वो मिली ही नहीं भाई। ऑप्शनल मिली नहीं अपनी डीजल में, उसकी पेपर नहीं थे, आधे मर रहा तो मिल रही थी क्या? भाई को चाहिए थी बिल्कुल बढ़िया गाड़ी, खराब तो मिल रही होगी भाई मार्केट में। इतनी खड़ी थी, कितनी? तो भाई आपने लेने के बाद क्या कुछ करवा दिया गाड़ी में, पहले तो ये बता दो। बहुत कुछ हुआ इसमें क्या करवा दिया आपने? टर्बो की ग्रिल है इसमें, जैसे आप देख रहे हो अच्छा। ब्लैक है। हाँ भाई ब्लैक ग्रिल है, देख लो भाई ब्लैक सी ग्रिल करवाई है भाई ने अपनी। ये टर्बो का है, क्रोम आता है इसमें, ये सब कुछ चेंज करवाया आपने पूरी? ये सब कुछ ब्लैक है भाई। भाई क्या खर्चा आ गया अपना इसमें? अच्छा हाँ, और ये 1500-1700 की ये थी शायद ग्रिल, नीचे वाले। अच्छा नीचे वाले। तो और बाकी लाइट्स वगैरह कुछ नहीं करवाया आपने? भाई लाइट्स वगैरह में ऊपर एलईडी डल रही है, क्योंकि जो इसकी ऑप्शन में आती है ना हाँ। भाई वो लुक तो अच्छी देती है, बट थ्रो नहीं है यार, हमने फिल्म लगा रखी है रात को कई बार। भाई बिल्कुल जेड चल रही है भाई गाड़ी, तो ये भी है। तो भाई ये लाइट तो शायद पीछे से भी नहीं खुलती होगी, पीछे चेंज तो कर नहीं सकते बल्ब इनमें? ये वाली खुलती है। अच्छा खुलती है इसमें, वो लग रही है 260 वाट की एलईडी। अच्छा और नीचे फॉग लैंप? भाई ये चेंज है, चेंज है, इसकी प्रोजेक्टर है 2 इंच वाले, प्रोजेक्टर लगवा रखे भाई ने। और भाई इनका थ्रो भाई कह रहे हैं कि प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर जला लो, ऊपर की लाइट की जरूरत नहीं है भाई। फिल्म में भी क्लियर दिखाती बिल्कुल है भाई। तो ये भाई ने फ्रंट में करवा रखा है, फ्रंट में टोटल कितना अपना खर्चा हो गया लाइट वाइट लगा के? यार अब वैसे मोटा मोटा बता रहा हूं, 7000 प्लस गया होगा भाई, 15 प्लस है अपना फ्रंट का भाई ने 15 प्लस का भाई, में लाइट की जोड़े भी ना है। और साइड में बात की जाए भाई अपना अलॉयज वगैरह की, तो ये अपने 70000 आपके पहले वाले वीडियो में, तो ये भाई ने अपने पुराने इसमें लगवाए भाई। और ये वन इन इंडिया ही होगी वरना इन अलॉयज के साथ, तो इन अलॉयज के साथ तो खैर यही है। और भाई ने ये भी बहुत मशक्कत से लिए थे भाई, अलॉय बहुत हल गए ना भाई अपने अलॉय, बहुत हल गए भाई ये। और भाई माइलेज में कितना अंतर आया इसमें इन अलॉयज के बाद? कुछ भी नहीं। करवा दिया अपने गाड़ी में भाई, सबसे मेन है बम्पर। अच्छा बम्पर ये अपना टॉप एंड टर्बो वाला है, टॉप एंड के अलॉय कुछ कह लो टर्बो में आता है भाई, टर्बो वाला लगवा रखा भाई ने, देख लो भाई ये सारे। और भाई और कुछ पीछे? भाई ये स्पॉइलर, रूफ स्पॉइलर, ये दोनों स्पॉइलर लगवा रखे भाई ने, इसमें ये लो भाई, भाई ने एग्जॉस्ट का वो लगवा रखे, कैप अपनी और कैप है भाई। अच्छा डिफ्यूजर लगवाया भाई ना भाई, ये तो आते ही लगता है कि अच्छा ये आता ही अपना, इसके साथ आता है ये बम्पर के साथ, ये इनबिल्ट है। तो ये भाई पीछे से पूरी अपनी भाई लुक तो एक नंबर कर दिया आपने गाड़ी के। मेरे को टर्बो जो वेरिएंट है ना हाँ भाई, इसकी लुक अच्छी लगती है, इंजन अच्छा नहीं लगता। ये भी ठीक है, चेंज करा दी, चेंज पूरी मतलब क्या है अपने इंजन के मजे भाई, बाकी बाहर से पूरी टर्बो बना दी है गाड़ी। तो ऐसा कुछ भाई ने बाहर से खर्चा करा है। और ये भाई की इंस्टा आईडी ले लो भाई, ये भाई ने इंस्टा आईडी अपनी यहाँ लिखवा रखी है। स्प्लिटर लग रहे भाई, लेकिन अब हट गए भाई, ये नुकसान है स्प्लिटर का, खैर देखा जाए तो पानी हल्का सा मतलब गई तो वो लूज हो जाते हैं, तो मैंने खोल लिया भाई स्प्लिटर का, फिर कह रही वो होते रहते बाद में रीयूज, टूट के फिर दोबारा वही लग गए या चेंज होंगे? टूट गया था वो, मैंने उसको प्लास्टिक वेल्डिंग करा के बनवा लिए, नहीं तो वैसे चेंज करवाने पड़ते टूट जाए तो। भाई टूट गए तो नहीं, वो पूरा पेयर रहेगा, पूरा पेयर लगेगा। हाँ ये लग रहे हैं, इसके साथ ही पेयर था वो, ये नहीं गिरते। अच्छा ये बॉडी में ये नहीं गिरेगा भाई, वे गिर गए फ्रंट वाले भाई के अपने। या तो भाई कितने के आते हैं स्प्लिटर का पूरा सेट? 6000 का, जिसमें कितने पीस है? 5। हाँ, 3 आगे 2 पीछे, 3 आगे और 2 ये साइड में, तो 5 पीस वाले अपने स्प्लिटर लग रहे थे इसमें। तो ये थी अपनी बाहर से मोटा मोटा भाई ने इतना करवा रखा है, ज्यादा ट्रम शटर में भाई दिक्कत देता है, पर गाड़ी अच्छी भी नहीं लगती अपनी, लिमिटेड रखो और लिमिटेड में भाई ऐसा लुक दे दो कि बाकी भाई की सारी रील वायरल जा रही है, आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो।
सर कुछ अपने इंटीरियर मैंने रहने वाला है, वरना स्टॉक है पूरा, कुछ नहीं करवा रखा भाई, रूफ वगैरह भाई सब कुछ स्टॉक है अपनी। सीट कवर लगवाए थे भाई, चेंज करवाए? हाँ भाई, लेती बदलवा ली थी। अब आए तो थे सीट कवर इसमें? आए थे, बहुत गंदी रद्दड क्वालिटी, 2,500 के। अच्छा, फिर ये कितने का बदलवा दिया आपने? ये भाई 6,500-7,000 के। ये भाई बाकी सब कुछ स्टॉक है, स्पीकर वगैरह कुछ काम करो भाई? स्पीकर तो भाई कंपनी के ही है क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी, बट जो बेस ट्यूब लगवा रखी है रॉकफोर्ड की और एम्प है। अच्छा, बेस थोड़ा सा चाहिए था कि कान को थोड़ा, बस थोड़ा सा मतलब एक सैटिस्फाइंग साउंड चाहिए, बाकी और कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं। लॉन्ग भी चला जाऊं, घर वाले भी सुन लें। हां, घर वाले क्योंकि बाकी बंद बंद करने का बटन है, बाकी डायरेक्ट ना, डायरेक्ट है भाई, क्योंकि फिर इसकी डिग्गी बजने लग जाएगी भाई अगर हैवी लगवा देंगे ना। हाँ, तो ये और ये जो होता है ना इसका, ये क्या बोलते हैं इसको, आर्मरेस्ट, ये कटवाना पड़ेगा अंदर से इसका बॉक्स। अच्छा, आर्मरेस्ट का ये बॉक्स कटवाना पड़ेगा ना भाई, इतना वैसे अंदर से काम तो वैसे नहीं छिड़वाते, खराब हो जाएगी भाई और लगेगी, फिर बजेगी गाड़ी। तो भाई अब मेरे को ये बताओ अपने हमारे गाइस को कि गाड़ी में कितनी डिफिकल्टी हुई आपको ढूंढने में? भाई पहले तो गाड़ी हुई ढूंढने में डिफिकल्टी, हाँ, कि गाड़ी मिल रही थी 1.6 बहुत ज्यादा। अच्छा, पुरानी हो ली है, 5-5 साल हो ली उनको, 1.6 नहीं चाहिए थी भाई क्योंकि BS4 का सिस्टम हो गया और उसका खर्चा भी बहुत ज्यादा है, 1.6 का। हाँ, बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। ये गाड़ी चाहिए थी और ऑटोमेटिक ही चाहिए थी बस, वरना? हाँ भाई, वरना ही लेनी थी आपको, लेनी वरना थी, लेनी डीजल में थी, लेनी ऑटोमेटिक थी। पेट्रोल भी बहुत मिली, पेट्रोल में ऑटोमेटिक भी बहुत मिली, इसमें सिर्फ 4 गाड़ी मिली थी ऑटोमेटिक। और मैनुअल मिल रही थी अपनी? मैनुअल तो भाई बहुत मिल रही थी, अच्छी भी कंडीशन में 2 मैनुअल मिल रही थी। एक बार तो सोचा था ये लास्ट गाड़ी थी, अगर ये भी नहीं मिलती ना तो भाई मैनुअल लेनी पड़ती फिर। तो भाई ये मतलब इसमें भी कोई दिक्कत विक्कत आई आपको लेने? बहुत दिक्कत है लेने के बाद में, लेने के बाद बहुत दिक्कत आई इसमें यार। पहले जब लाया तो एक हफ्ते चली बहुत बढ़िया। अच्छा, एक भी दिक्कत ना भाई, एक हफ्ते बाद ही हो गया स्टार्ट की मोटर खराब, इसकी बटन की मोटर खराब। अच्छा, फिर इसको टो करा के कंपनी में भेजा, मोटर ठीक हुई इसकी, वारंटी में हुई। खर्चा मतलब आज तक गाड़ी में एक भी नहीं लगा क्योंकि गाड़ी अंडर वारंटी है, ली ही इसलिए थी कि अंडर वारंटी गाड़ी लूंगा ताकि मेरा कोई खर्चा ना हो। सही बात है भाई, फिर मैं एक्सटेंड भी करवा लो अपनी। हाँ, बात 4 महीने बाद इसकी एक्सटेंड करा लूंगा भाई, 2 साल के लिए। सही है, 3 की है कंपनी देती है, 2 साल एक्सटेंड हो जाएगी। बाकी जिनकी थी गाड़ी भाई उन्होंने रखी थी? रफ रखी थी भाई बिल्कुल रफ रखी थी भाई, किसी लड़की की गाड़ी थी भाई ये। अच्छा, हाँ। रफ रख रखी थी भाई, बिल्कुल रफ एंड टफ चलाइए भाई। पूरा टाइम तो सोसाइटी है ना, जैसे बाहर के फ्लोर होते हैं, हाँ। उनके बाहर खड़ी रही धूप में, तो कलर वलर तो सब फेड हो गया, बिल्कुल डल पड़ गया था। आपको दिखाऊंगा एक, उसमें दिखाना आप कैसा हो गया था, ऐसा था इसका कलर बिल्कुल मैट, ग्लोस नहीं था बिल्कुल भी। फिर इसकी डिटेलिंग कराई भाई सारा, मतलब बहुत खर्चा हुआ लेने के बाद भाई, खर्चा तो बहुत हुआ, डिटेलिंग वगैरह कराई, 10,000 की डिटेलिंग हुई। ये तो है भाई, बाकी अपनी तरीके से बनानी थी तो करना तो था ही भाई, 920 अपने टेस्ट के मुकाबले सेट कर रखी है भाई। एक दिक्कत और बता देता हूँ इसमें, क्या बोलते हैं इसके मीटर में पता नहीं कैसे लाइट आ जाती थी अपने आप। लाइट कैसी भाई, अलग अलग चीज की है मतलब? एक साथ जितनी भी लाइट आती है, जैसे सारी दिखाता हूँ, देखना मैं स्टार्ट करूंगा। हाँ भाई, ये जितनी भी लाइट आएगी ना अब इसमें, ये सारी आ जाती थी, ये मीटर ऐसा हो जाता, ये स्टार्ट में आती है ऐसी, हाँ ऐसे ही रह जाता था। सिस्टम हैंग हो गया था भाई, कि ये क्या हो गया। फिर कंपनी वालों ने क्या कही भाई? कंपनी में दिखाई, 2 एजेंसी में दिखाई भाई, किसी के समझ में ना आई। फिर वापस अपने वाले में दिखाई, मानेसर वाल्ट्रम पे, उनने कर दी भाई ठीक। और इसकी वायरिंग में कोई फॉल्ट था? अच्छा, और भाई इसमें एक चीज और बता रहा था, एवरेज की कोई दिक्कत आई थी? हाँ भाई, बीच में इसमें बहुत दिक्कत आ गई थी यार, ये मीटर के साथ ही आई, इधर मीटर के साथ ही चली गई। आपने सारी चीज टेस्ट कर लिया, अलॉय हटा के भी चला ली? भाई मेरे को लगा कि अभी मेरे भाई अलॉय दिक्कत कर रहे हो, क्योंकि मैंने गाड़ी ली 2 दिन बाद अलॉय चेंज करा दी। वैसे कंपनी का अलॉय से हल्के है ना अलॉय? हाँ भाई बराबर है, मतलब बराबर इसके तो 16 आते हैं ना, 15 आते थे, और इसमें अपने 17 अलग डलवा रखे भाई ने, वही है सेम, कुछ चेंज नहीं है अलॉय में। तो फिर क्या हुआ भाई, माइलेज का कैसे करा आपने? भाई इसका एक डीपी है, पता नहीं डीएफ क्या बोलते हैं उसको, हाँ। वो लॉक था। अच्छा, वो लॉक हो रहा है, मेरे को कंपनी वालों ने ऐसा बोला था, हाँ। मेरे को ज्यादा पता नहीं, और डीजल फिल्टर जो मैंने खुद देखा था वो बिल्कुल चोक था, डर्ट थी उसमें बोल। अच्छा, तो वो चेंज कराया, उसके बाद भाई गाड़ी ओके चल रही है। अब भी देख लो 12:30 की तो दिखा रही है, सुबह से 88 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं। लोकल में चलाई और रफ एंड टफ तो अपनी भी है, ज्यादा धीरे भी चलाते नहीं, नीचे नहीं देती भाई अब नहीं देती, 1000 के तेल में ऑलमोस्ट 180-190 किलोमीटर चलती भाई, बिल्कुल। तो ये सही है भाई अपना देखा जाए तो, बाकी और कोई दिक्कत है नहीं गाड़ी में ना भाई। बाकी कंपनी से क्या रिस्पॉन्स रहा, कितनी चला दी भाई हमने लेने के बाद? भाई 16,000 चला दी, तो एक सर्विस भी ले ली होगी 3 महीने में। हाँ, 60,000 वाली सर्विस कराई थी भाई। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा कंपनी हुंडई के साथ? भाई हुंडई वाले बढ़िया है, बढ़िया है, मैं इसलिए तो हुंडई गाड़ी प्रेफर करता हूं। पहली भाई पाई 20 है, वो भी भाई ने सेट करवा रखी थी, ग्रुप में भी भाई हुंडई की गाड़ी बहुत ज्यादा है भाई। हुंडई को अपने टेस्ट के मुकाबले और जितनी चाहो उतनी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं भाई, ओवर भी नहीं लगती और ओके लगती है। पड़ गई आपको ये गाड़ी भाई? मतलब मैंने खरीदी कितने में थी ये पूछ रहे हो? खरीदी भाई मैंने इसको करीबन 12
50-60 के करीबन खरीदी थी भाई। तो ये आपने डायरेक्ट उससे लिए पार्टी से या डीलर है? कहीं नहीं मिली, कोई जितनी भी वरना देखी सिर्फ एक मिली थी, उसका भी ओनर मरा हुआ पड़ा था। अच्छा, तो उसमें आगे दिक्कत आती पेपर वर्क में? पेपर नहीं दे रहे थे भाई, कह रहे कि गाड़ी ले लो पेपर हम पहुंचा देंगे, तो भाई उसमें रिस्क था। रिस्क है भाई बिल्कुल, कल को चोरी कर जम डाल दे भाई, क्या दिक्कत हो गया यार, हो जाए। उसमें लोन भी था यार, फिर सही बात है भाई, ना कुछ करवा सकते। इसके डॉक्यूमेंट भाई पूरे थे, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ ही गाड़ी लो। बहुत अच्छा था भाई, मतलब एक नंबर डीलर था, कुछ भी नहीं छुपाया उसने, सारी चीज पहले बता दी भाई इसमें ये दिक्कत है। उसने बोल दिया था भाई इसके स्टीयरिंग के बटन नहीं चलते। अच्छा, फिर ये भी चलवाया आपने? ये भी मतलब वारंटी में सारा काम कंपनी से होकर आया भाई, सब कुछ भाई वारंटी में कवर हो गया गाड़ी का। बाहर से अपना भाई ने की भाई सर्विस बहुत बढ़िया है, सर्विस बहुत बढ़िया। जब इत लिया भाई ने आंख बंद करके गाड़ी ले ली, थोड़ा बहुत भाई डीलर ने रोड निकलवाया था यार, देखो वो तो अपनी भाई एक्सीडेंटल ना हो, मेन तो ये है बस, एक इसका फ्रंट बम्पर और ये लाइट है ये चेंज थी भाई। बम्पर तो भाई देखो लग जाता है, प्लास्टिक का पार्ट होता है वो, तो गाड़ी कोई एक्सीडेंट नहीं था, मेजर एक्सीडेंट कुछ नहीं था। भाई कहना चाहोगे वरना ढूंढ रहे हो तो थोड़ा देख के लो या ले लो? भाई मैं नहीं लूं सेकंड हैंड गाड़ी आज के बाद। ऐसा क्यों भाई, ये तो आप बता रहे हो भाई। मैं मतलब गाड़ी मेरी ओके है भगवान की दया से, अब हो गई ओके। पहले भी दिक्कत, जब बीच में ये दिक्कत आती है ना तो घर वाले कान खा जाते हैं। घर वालों का है मेनली, उनको कहां तक समझाएंगे भाई सेकंड हैंड है या गाड़ी में टेक में आ जाती है गाड़ी में दिक्कत आ गई तो नहीं सोच लूंगा मैं, नहीं तो चलाई है कुछ होगा तो मैं ठीक करा लूंगा। अब ये नहीं पता सेकंड हैंड किसी ने कैसे रखी होगी भाई। हाँ भाई कैसे, कितनी रफ चलाई हो, पानी में चलाई हो, कहीं और चलाई हो, भाई कुछ नहीं पता। जैसे मैंने ये दिखाई तो सबसे पहले जहाँ दिखाई ना, मैं नाम नहीं लूंगा भाई उस एजेंसी का, खामा का कोई कुछ बोलेगा। मैंने जिसको दिखाई उसका बंदा पता क्या बोला कि भाई इसके आगे एक पार्ट है उसमें पानी चला गया था तो ये गाड़ी का ये लॉक हो गया, हाइड्रोलॉक बोलते पता नहीं क्या वो लॉक हो गया। अब मैंने दिखाई यहाँ से वायरिंग में भी इशू था, ये क्या अच्छा, बोलते हैं इधर आ गए तो साइड इसके अंदर फ्यूज वाली साइड। हाँ ये फ्यूज वाली साइड है ना। हाँ भाई एक कपलर है अच्छा, उसमें फॉल्ट था भाई। तो ये कंपनी वाले भी कर देते हैं ना कि ज्यादा खोलनी खालनी पड़ेगी पहले ही डरा दो। ये यहाँ से है ना नीचे से खुला था, इसको 3 दिन लगे थे, कस्टमर को डरा दो पहले ही। ये तो हेयर कंपनी भाई बेच दे तू। अच्छा मेरे को बोले बेच दे गलत गाड़ी ले ली तूने, मैं भाई ठीक है अभी बेच रहा हूँ। ये थोड़ा सा है भाई की भाई डरा दिया यार बहुत ज्यादा। मैं मुझे यार ये तो पैसे खराब हो गए, अब किसी को दूंगा भी तो भाई क्या देखेगा मीटर में लाइट आ रही है। सही बात है भाई, अगला ना ले भाई ऑन द स्पॉट मना कर देगा। बाकी भाई ना बिल्कुल डन करवा दी गाड़ी, तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं है भगवान की दया से, सारी ओके चल रही है अपनी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन एक बात बताओ भाई, अगर जैसे इस मॉडल वाली चाहिए हो किसी को, क्योंकि अब नए वाला तो बहुत लो, गाड़ी लो देख के लो, अगर डायरेक्ट कस्टमर से मिल जाए तो बेस्ट है भाई, डीलर के पास तो बहुत खड़ी है। लेकिन ट्रस्ट वाले से लो डीलर से, सर्विस रिकॉर्ड निकलवा लो और हो सके तो अंडर वारंटी लो, ये तो मिल भी जाएगी अंडर वारंटी। खैर बिक भी रही है, खूब बिकी होगी भाई, इससे बढ़िया कुछ नहीं। और भाई मीटर बैग का क्या केस है इसके साथ, है कुछ मीटर बैग का? नहीं इसका तो नहीं है भाई, नहीं है, क्योंकि इसका मैंने ली थी भाई 54,500 कुछ पे। अच्छा अप्रोक्स तो नहीं पता, और इसके लास्ट जो कंपनी में रिकॉर्ड था ना वो 49 पे था भाई। तो हाँ इतनी लास्ट सर्विस करवाई हो क्या पता भाई, नहीं सर्विस का नहीं था, सर्विस तो 1000 किलोमीटर पहले हुई थी 48 पे। अच्छा 49 पे इसका क्लेम था, एक फ्रंट बंपर का और लाइट का क्लेम ले रखा था उन्होंने। तो 5000 जीरो टाइप चल रहा होगा भाई, अब भी जीरो ही है भाई, जीरो टाइप चल रहा है, तो जीरो ही चलेगा। तो ये सही है भाई, ने अपनी गाड़ी की मोटा मोटा बता दिया। बाकी भाई फुल सेटिस्फाइड हो गाड़ी से? अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहले तो बीच में हो गया था यार बेच देता हूँ नहीं ले लूंगा कोई, फिर वही मेन तो भाई आपकी एवरेज वाली दिक्कत भी आई थी ना जिससे परेशान हो गए थे यार, वरना है डीजल में एवरेज ही नहीं दे रही बिल्कुल, देरी कितनी 8 की 9 की यार, पेट्रोल की ना ले लूंगा 15 साल तो चलेगी। अपना 1.5 सीसी का इंजन रहने वाला है जो कि प्रोड्यूस करता है 115 bhp 250 Nm टॉर्क के साथ। तो ये ऐसे के स्टार्ट होने के बाद गाड़ी अपनी आवाज करती है, डीजल इंजन है भाई थोड़ा बहुत तो आवाज करेगा ही। बाकी भाई ने जो जो काम करवाया इसमें सारा हो चुका है और भाई फुल्ली सेटिस्फाइड है अपनी गाड़ी के साथ। लाइट्स वगैरह भाई ने चला दिए, देख लो लुक देख लो गाड़ी का बहुत प्यारा करवा दिया है। तो वरना देखो तो भाई देख के लेना क्योंकि भाई चोर बाजारी बहुत अच्छा है मार्केट में। तो भाई ये थी अपनी कुछ वीडियो आज की, अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो भी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।